आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान गंगा पर। हमारी आज की कहानी हुदहुद पक्षी की ज्ञानवर्धक बातों के बारे में है। जब किसी को लगता है कि उसके पास सब कुछ है, किसी से कुछ भी मांगने जा लेने की जरूरत नहीं, तब उसे घमंड आता है, उसको अभिमान होने लगता है। व्यक्ति हो या देवता, कभी भी उन्हें अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह क्षण भंगुर होता है। इससे ना तो केवल शारीरिक क्षमता कमजोर होती है, बल्कि बुद्धि का विकास भी कम होने लगता है। किसी भी चीज का घमंड करना बहुत ही खतरनाक साबित होता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिन लोगों ने भी अपने जीवन में किसी भी चीज का घमंड किया है, उनका पतन निश्चित ही हुआ है। एक समय की बात है, एक आवारा जंगली हाथी जंगल में बुरी तरह से उत्पात मचाता है। वह चारों तरफ जंगल के पेड़ पौधों को उखाड़कर फेंकने लग जाता है। जो भी जीव जंतु उसके सामने आते, वह उन सभी को रौंद डालता, कुचल डालता। उसी जंगल में एक हुदहुद पक्षी का जोड़ा भी रहता था। हुदहुद पक्षी ने एक वृक्ष के तने में अपना बिल बनाकर उसमें अंडे दे रखे थे। वह अपने परिवार के साथ सुकून की जिंदगी जी रहे थे। हुदहुद पक्षी की पत्नी अंडे देकर हमेशा उन पर बैठी रहती और बैठी हुई यही सोचती रहती कि कब इन अंडों से छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे बाहर आएंगे और कब उनका परिवार संपूर्ण होगा। वह दोनों पति पत्नी अपने सुंदर और संपूर्ण परिवार के बारे में सोच सोच कर खुश होते रहते। वह यही सोचते रहते कि कब इन अंडों से बच्चे बाहर आएंगे और कब उनका परिवार संपूर्ण होगा। हुदहुद पक्षी भोजन की तलाश में उड़कर दूर दूर जाता और भोजन तलाश करके खुद भी खाता और अपनी पत्नी के लिए भी लेकर आता। हुदहुद पक्षी की पत्नी दिन रात 24 घंटे अपने अंडों पर बैठी रहती। उधर वह आवारा हाथी सभी वृक्षों को उखाड़ता हुआ आ रहा था। जब वह हाथी उस वृक्ष तक पहुंचता है जिस वृक्ष पर हुदहुद पक्षी ने अपने अंडे दे रखे थे और हुदहुद पक्षी वहां पर बैठी हुई थी, वह हाथी वहां आकर उस वृक्ष को तोड़ देता है। हुदहुद पक्षी के अंडे नीचे गिर जाते हैं और नीचे गिरकर उसके सारे अंडे टूट जाते हैं। यह देखकर हुदहुद पक्षी रोने लग जाते हैं। उन दोनों को अपने अंडों के टूट जाने का बहुत दुख था। वह दोनों हाथी का कर तो कुछ नहीं सकते थे, वह उसे रोक भी नहीं सकते थे। इतने शक्तिशाली हाथी का वह छोटे से पक्षी क्या बिगाड़ पाते। वह दोनों पति पत्नी वहीं दूसरे पेड़ पर बैठे हुए बहुत ही दुखी होते हैं। वहीं बैठे हुए अपने दुख में चिल्लाते हैं और बिलाप करते हैं, लेकिन उन दोनों की कोई भी सुनने वाला नहीं था। और हाथी वहां के पेड़ पौधों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ जाता है और वह दोनों पक्षी बैठे हुए बिलाप कर ही रहे थे, तभी उनके पास एक मैना आकर बैठती है। उस मैना चिड़िया की हुदहुद पक्षी की पत्नी के साथ दोस्ती थी। तब वह मैना अपनी दोस्त हुदहुद पक्षी को पूछती है कि तुम क्यों रो रही हो। तब हुदहुद की पत्नी मैना को सारी बात बताती है। वह बताती है कि कुछ ही दिनों बाद अंडों से मेरे बच्चे बाहर निकलने वाले थे, लेकिन एक पागल हाथी ने वृक्ष को तोड़कर नीचे गिरा दिया, जिसके कारण घोंसले से अंडे भी नीचे गिरकर टूट गए। अब हम करें तो क्या करें। मैना को यह सारी बातें बताते हुए वह दोनों पक्षी फूट फूट कर रोने लगे। तब मैना उन दोनों को सांत्वना देती है। वह उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहती है कि जो होना था वह हो चुका है, होनी को कौन टाल सकता है। अब आगे के बारे में सोचो कि उस उदंड हाथी को कैसे सबक सिखाया जाए। उसको रास्ते पर लाना बहुत जरूरी है।
मैना चिड़िया उनसे कहती है कि आज तो उसने आपके अंडे तोड़े हैं, तुम्हारे बच्चों को मारा है, कल को वह दूसरे पक्षियों के अंडे भी तोड़ेगा, यह उनके बच्चों को भी खत्म करेगा। इसलिए इस हाथी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। तब हुदूद पक्षी मैना से कहते हैं कि हम छोटे से पक्षी हैं और वह इतना बड़ा और ताकतवर हाथी है, हम क्या कर सकते हैं? हम छोटे छोटे परिंदे मिलकर भी उस हाथी का क्या बिगाड़ सकते हैं, उसको क्या सबक सिखा सकते हैं? तब उनसे मैना कहती है कि तुम चिंता मत करो, एक और एक 11 होते हैं, संगठन में बहुत शक्ति होती है। मैना उनसे कहती है कि एक भंवरा मेरा मित्र है, हम उसके पास चलते हैं, वह हमें कोई ना कोई सलाह जरूर देगा। तब वह तीनों पक्षी मिलकर उस भंवरे के पास जाते हैं और उस भंवरे को अपना सारा हाल बताते हैं। भंवरा उनसे कहता है कि हाथी को सबक मिलना ही चाहिए। भंवरे ने कहा, यहीं पास में एक तालाब है और उसमें मेरा एक मित्र मेंढक रहता है, यदि हम उसके पास जाएं तो वह हमें एक अच्छी सलाह दे सकता है और वह इसमें हमारी सहायता भी जरूर करेगा। भंवरे की ये बातें सुनकर वह चारों मिलकर उस मेंढक के पास जाते हैं। वह चारों जाकर मेंढक को अपनी सारी कहानी बताते हैं। उनकी पूरी बात सुनकर मेंढक उनसे कहता है कि मित्रों, चिंता मत करो, मैं कुछ ही देर में गहरे पानी में जाकर इस बारे में सोचकर आपको बताता हूँ, क्योंकि जब तक मैं गहरे पानी में नहीं जाता मैं कुछ भी नहीं सोच पाता, मेरा दिमाग काम नहीं करता है, मैं पानी के अंदर जाकर सोच कर आता हूँ, तब तक तुम यहाँ पर मेरा इंतजार करो। वह मेंढक पानी में छलांग लगाता है और अंदर जाकर बैठ जाता है। कुछ देर के बाद मेंढक फिर पानी से बाहर आता है। अब वह उन सभी से कहता है कि उस हाथी को सबक सिखाने के लिए मेरे दिमाग में एक विचार आया है। फिर वह मेंढक उस हाथी को सबक सिखाने का विचार उन सभी को बताता है। उन सभी को उसके द्वारा दी गई सलाह बहुत पसंद आती है और वे सभी सुनकर खुश हो जाते हैं। तब तक वह हाथी वृक्षों को तोड़ता हुआ उधर ही आ जाता है, जहां पर वे बैठे होते हैं। तब मेंढक की योजना के अनुसार सबसे पहला नंबर भंवरे का आता है। मेंढक कहता है कि हमारी योजना के अनुसार सबसे पहला काम भंवरे का है। वह उसे कहता है कि पहले तुम हाथी के पास जाओ और उसके कान में तुम जोर जोर से गुनगुनाने लगो। भंवरा हाथी के पास जाता है और उसके कान के पास जाकर जोर जोर से गुनगुनाने लगता है। भंवरे की गुनगुनाने की आवाज सुनकर हाथी मंत्रमुग्ध हो जाता है। वह हाथी भंवरे की आवाज सुनने में इतना मस्त हो जाता है कि अपनी सुध-बुध भूल जाता है, आंखें बंद करके उसकी आवाज को सुनने लगता है। जब हाथी आंखें बंद करके भंवरे की आवाज को सुनता है, तब मेंढक की योजना के अनुसार दूसरी बारी हुदूद पक्षी की आती है। तब मेंढक उस हुदूद पक्षी से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है और अब तुम्हें उस उदंड हाथी के पास जाना चाहिए। इस समय हाथी ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं और तुम वहां जाकर अपनी तीखी चोंच से उस हाथी की आंखें फोड़ डालो। वह दोनों हुदूद पक्षी उड़कर हाथी के पास जाकर दोनों अपनी तीखी चोंच से उस हाथी की एक एक आंख को फोड़ देते हैं, जिसके कारण हाथी अंधा हो जाता है और उसकी आंखों से खून बहने लगता है। अब हाथी को कुछ भी दिखाई नहीं देता, वह चिंघाड़ता है और बहुत शोर मचाता है, लेकिन उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। अब हाथी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वह वृक्षों से टक्कर खाता हुआ, गड्ढों में गिरता पड़ता हुआ बहुत घायल हो जाता है। काफी थक हार जाने के बाद उस हाथी को बहुत प्यास लगती है। वह हाथी पानी पीने के बारे में सोचता है।
प्यास के कारण हाथी का गला सूख जाता है। मेंढक की योजना के अनुसार अब तीसरी बारी मेंढक की आती है। उसके बाद वह मेंढक अपने सभी मेंढक मित्रों को इकट्ठा करके एक गड्ढे के पास बिठा देता है और वह उनको अपनी योजना बताते हुए कहता है कि जब हाथी को बहुत प्यास लगे तो तुम्हें जोर जोर से टरटराना है और जब मेंढकों की आवाज वह हाथी सुनेगा तो वह उस आवाज की तरफ आएगा। जब हाथी प्यास के कारण बहुत तिल मिलाने लगा तो मेंढक भी जोर जोर से चिल्लाने लगे। हाथी के कानों में उन मेंढकों के चिल्लाने की आवाज आती है। हाथी सोचने लगता है कि मेंढक पानी के पास ही रहते हैं, इसलिए जहां से उनकी आवाज आ रही है वहां पर निश्चित ही पानी है। हाथी उस तरफ को जाने लगता है जहां से उन मेंढकों की आवाज आ रही थी। जैसे जैसे वह हाथी उस गड्ढे के नजदीक आ रहा था वैसे वैसे वैसा मेंढक बहुत जोर जोर से शोर मचाने लगे। हाथी बहुत तेजी से उस तरफ बढ़ रहा था। अब जैसे ही हाथी उस गड्ढे के पास जाता है तब मेंढक वहां से पीछे हट जाते हैं और हाथी सीधा जाकर गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे में गिरने के कारण हाथी की हड्डियां टूट जाती हैं और वह भी मर जाता है। जब हाथी गड्ढे में गिरकर मर जाता है तो वह तीनों पक्षी भंवरा और मेंढक मिलकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि आज एक दुष्ट का अंत हो गया। उसके बाद वह सभी अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। मैना और हुदहुद पक्षी एक साथ आ जाते हैं। तब हुदहुद पक्षी मैना से कहती है कि मेरी चोंच के अंदर एक अद्भुत शक्ति आ चुकी है। ऐसे लगता है कि जैसे मेरी चोंच किसी धातु की बनी हो। मुझे ऐसा प्रतीत होता है मेरी चोंच में एक अजीब सा चमत्कार हो रहा है। तब मैना कहती है कि ये तुम्हारा भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। तब वह दोनों पक्षी मैना से कहते हैं कि हमें हमारी चोंच के अंदर एक अद्भुत शक्ति का आभास हो रहा है। दोनों हुदहुद पक्षियों ने अपनी चोंच के साथ हाथी की आंखें फोड़ी थी। उसके बाद उन दोनों पक्षियों की चोंच में एक अद्भुत शक्ति आ जाती है। वह बार बार मैना से यही बात कहते हैं। मैना उनसे कहती है कि इसका प्रमाण दिखाइए। तब वह पक्षी अपनी चोंच जोर जोर से एक वृक्ष में मारना शुरू कर देते हैं। वह अपनी चोंच को वृक्ष में तब तक मारते रहते हैं जब तक उसको अच्छी तरह से खोदकर उसमें गड्ढा ना बना दें। तब मैना ये सब देखकर उनकी बात को सच मान लेती है। उसके बाद से हुदहुद पक्षी कभी अपना घोंसला नहीं बनाते। वह एक वृक्ष में अपनी चोंच से खोदकर गड्ढा करके बिल बनाते हैं और उसके अंदर अपने बच्चों को जन्म देते हैं और वह उसी में रहते हैं। हाथी को अपने बल पर बहुत घमंड था कि मेरे जैसा शक्तिशाली कोई नहीं है। यही सोचकर वह अपनी शक्ति के मद में चूर होकर जंगल के पेड़ पौधों को उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगा। जो भी जीव जंतु उसके सामने आते उसको वह कुचल देता, लेकिन जो घमंड करता है उसका अंत निश्चित ही हो जाता है। इसी तरह से उन छोटे छोटे पक्षियों और उनके दोस्तों ने मिलकर एक विशाल हाथी का अंत कर दिया। दोस्तों, मादा हुदहुद 3 से 10 अंडे तक देती है। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते वे अंडों पर बैठी रहती है, वहां से हटती नहीं। वही नर पक्षी भोजन लाकर उसे खिला जाता है। आज हम आपको हुदहुद पक्षी के बारे में एक छोटी सी लेकिन एक बहुत ही रोचक कहानी बताते हैं। कहानी के अनुसार एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले उड़न खटोले पर बैठकर कहीं जा रहे थे। बहुत गर्मी थी, धूप से वह परेशान हो रहे थे। उन्होंने आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो।
पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं। बादशाह सुलेमान आगे बढ़ गए। सुलेमान की भेंट हुदहुद पक्षियों के मुखिया से हुई। सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी। वह चतुर था, मदद करने के लिए तैयार हो गया। उसने फौरन अपने सभी हुदहुद साथियों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वे मेरी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गिद्धों से छोटे तो हो, पर चतुर अधिक हो, तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है। तत्पश्चात बादशाह सुलेमान हुदहुद पक्षियों से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूंगा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। इस पर हुदहुद पक्षियों के मुखिया ने कहा, महाराज मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊंगा। हुदहुद पक्षियों के मुखिया ने अपने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज आप हमें यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। उनकी बात सुनकर बादशाह सुलेमान हंसे और बोले, मुखिया इसका फल क्या होगा, यह तुमने सोच लिया है। तभी हुदहुद पक्षियों का मुखिया बोला कि जी महाराज, हमने सोच लिया है। बादशाह सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदहुद पक्षियों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। लोगों ने जैसे ही उन्हें देखा तो तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। परिणाम यह निकला कि हुदहुद पक्षियों की संख्या कम होने लगी। मुखिया घबराकर सुलेमान के पास पहुंचा और उनसे बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। इस पर सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। ठीक है, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं, सुंदर परों का हुआ करेगा। तभी से हुदहुद पक्षियों के सिर पर यह ताज यानी कलगी शोभा पा रहा है। हुदहुद पक्षी एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलगी और इसकी लंबी चोंच होती है। इसलिए कहते हैं कि एक छोटा सा कंकड़ बड़े से बड़े घड़े को भी तोड़ देता है। इसलिए हमें किसी भी चीज का अभिमान या घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे वह धन दौलत हो, ताकत हो या पदवी। हमें किसी भी चीज का कभी गुरूर नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी भी चीज का अभिमान करता है तो वह ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता। घमंड और गुरूर के आगे रावण जैसे विद्वान लोगों की भी नहीं चल सकी, उनका भी पतन हो गया, नामो निशान मिट गया। हम सभी तो साधारण लोग हैं, हमारे पास धन दौलत हो या ना हो, अच्छा स्वास्थ्य हो या ना हो, फिर भी हर आदमी घमंड करता है। पता नहीं वह किस चीज का घमंड करता है। कभी भी किसी भी चीज का घमंड मत करो, अभिमान मत करो। जिस तरह से उन छोटे छोटे पक्षियों और उनके दोस्तों ने मिलकर एक विशाल हाथी का अंत कर दिया, उसी तरह जो घमंड करता है उसका अंत निश्चित ही हो जाता है। हमें हुदहुद पक्षी की तरह ज्यादा लालच भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ज्यादा लालच भी हमें किसी बड़े संकट या किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।